आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, मैं अभी गांधी मैदान के पास हूँ और आप लोग वीडियो बने रहिए, जितना हो सके मैं कवरेज आप लोग को दिखाऊंगा। मैं अभी गेट नंबर 10 पे हूँ और 10 नंबर गेट से अभी एंट्री किसी को नहीं मिल रहा है। इस गेट से एंट्री नहीं है, बहुत ही भीड़ भाड़ है। सभी लोग जैसे कि तपस्या कर रहे हैं, सभी चैनल वाले बाहर हैं। पानी बोतल छोटे छोटे बच्चे लेके इधर ही बाहर घूम रहे हैं। क्या बना रहे भैया सर, कब तक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा सबको? हमको कोई नॉलेज नहीं दिया इस सबका, लड़का का तो अपने ना कुछ मिला, जिसका मिला है वो अपना अंदर में गया है। हाँ सर, आपको मिल गया कार्ड सर? अगर संख्या सुबह कब आए थे सर आप? सुबह में हम लोग यहाँ 12 बजे 12:30 बजे और अभी लगभग 2 बज रहा है। सर आपको अभी कैसा लग रहा है सर? बहुत खुश है, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस प्रकार की पहल की जो कि शिक्षकों को ढूंढा और बिहार में योग्यता की कमी नहीं, ये तो हर कोई जानता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गेट से एंट्री बिल्कुल ही बंद है। कौन बोल रहा व्यवस्था बहुत ही यहाँ तंदुरुस्त है। नियुक्ति पत्र गांधी मैदान के पास ही वितरण हो रहा है। गेट नंबर 12 है, यहाँ से भी एंट्री नहीं है। इधर आइए सर। आपको नियुक्ति पत्र मिल गया सर? दो शब्द बोलिए। जी सर।
मेरे दोस्तों, ये जो गेट है विशेष अतिथियों के लिए है। इस गेट से भी शायद मैं एंट्री नहीं ले पाऊंगा। दोस्तों, व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है, ऐसा ही होना चाहिए, जिस कारण लग ही नहीं रहा है कि भीड़ भाड़ है। देखिए, मैं जिनकी तलाश में था उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या नाम है सर? विनय कुमार निराला। घर कहाँ है? वैशाली, हाजीपुर। देखिए, इनका सपना पूरा हो गया। दो शब्द बोलिए सर। हाँ, ये हम लोग बहुत मेहनत करके इस तरक्की को हासिल किए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई। सुबह कब आए थे जी? सुबह कब आए थे सर? सुबह 6 बजे आए थे। सर, आपको देख के लग रहा है भूख लग गया, सबसे पहले मिठाई खाई जाइए सर। जी सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपको भी। आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है? जी, मिल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि कुमारी है। और घर कहाँ है? मेरा घर औरंगाबाद है। अब आपका सपना पूरा हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह कब आए थे? सुबह 9 बजे से ही आए। थैंक यू। अब आज जम्मू चैनल में देख लीजिएगा। हम लोगों के लिए बात है, वही हम आप सब लोगों को सबको दे दिया, तो हर तरह से हम सब लोगों को जितने भी लोग हैं दिवाली की खुशियाँ देने के लिए, क्वेश्चन पूछेंगे, युवाओं को पहचान देने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कान देने के लिए, और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुरेश कुमार मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। देखिए, आपका सपना पूरा हो गया, अब आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक दिक्कत है कि हम लोगों को ऐतिहासिक बदलाव की, हम लोग साउथ बिहार के हैं, हम लोगों को ईस्ट बिहार में डाल दिया है, वहाँ पे हमें रहने की खाने की सब जगह की दिक्कत है। जिनके मार्गदर्शन में आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में आवाज जम्मू एवं एक साथ बिहार राज्य के सभी जिलों में आवाज जम्मू 1 लाख से अधिक और शिक्षा विभाग की ओर से आज के इस अभूतपूर्व अवसर और इस ऐतिहासिक आज के समारोह में उपस्थित माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय भवन को आभार एवं सादर धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुख्य सचिव महोदय और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है सभी। इसी के साथ हमारा आज का ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय मंत्रीगण और सभी पर रहेंगे और आराम से धीरे धीरे जाएंगे। अभी समय है, जैसे आप धीरे धीरे आए थे वैसे ही आप धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। बसें लगी हुई हैं, आपके कोऑर्डिनेशन में लोग लगे हुए हैं अपनी बसों में, वैसे ही आप धीरे धीरे जाकर के बैठेंगे और अपने जहां आपको पहुंचना है, जहां आपके रहने की व्यवस्था है उस ओर आप अग्रसर हों, लेकिन ध्यान रहे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने गंतव्य की ओर आप सब प्रस्थान करेंगे। देखिए, भीड़ काफ़ी है, इसीलिए आप लोग बहुत संभल कर धीरे धीरे आगे जाइएगा। और अगर हम सबकी बात माने तो थोड़ी देर हमारे माननीय अतिथियों का भी काफिला निकल रहा है, तो रास्ते में भी काफ़ी भीड़ होगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप अपनी जगह पर बैठे रहें। जैसे ही हमारे गण यहाँ से निकल जाएंगे कुछ आएगा मैदान के परिसर, मतलब आप धीरे धीरे अपने अपने बसों की ओर बढ़े और वहाँ जाकर जो भी आपके निर्धारित स्थल पर आपकी जो बस लगाई गई है आप वहाँ जाकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर बैठ जाएं ताकि आपको भी असुविधा ना हो और आपके कारण किसी और को भी असुविधा ना हो। जहाँ इतनी देर से आप लोग व्यवस्थित ढंग से, अनुशासित ढंग से बैठे थे, तो सभी सभी जिले से जो भी लोग आए हैं उनसे यही हमारी अपील है और यही आपसे निवेदन है कि आप अपने जिले के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ, उनके सहयोग से। साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के कार्यक्रम तो समाप्त हो गए हैं, बाकी जिले जो जहाँ पर भी नियुक्ति पत्र वितरित करना था मुझे लगता है कि कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात शुरुआत हो गई होगी। वहाँ के प्रभारी मंत्री, वहाँ के कमिश्नर या फिर जिलाधिकारी महोदय के करकमलों से विभिन्न जिलों के हमारे जो चयनित हैं
नवनियुक्त या नवचयनित शिक्षक तो उन्हें भी ये नियुक्ति पत्र देने का कार्य की शुरुआत हो गई होगी, क्योंकि शुरू में ही हम लोगों ने ये बता दिया था कि जो विभिन्न जिले हैं यहाँ मुख्य समारोह समाप्त होने के पश्चात आप ही अपना नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है और पूरी तरह से हम सब आश्वस्त हैं कि आप अपने कार्य की शुरुआत कर चुके होंगे। फिलहाल आप सभी लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि धीरे धीरे आराम से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आपकी बसें लगी हुई हैं, जिन बसों से आप आए हैं या आने जाने का जो भी साधन आपका है, जिससे भी आप आए हैं, उस साधन से आप वापस लौटेंगे, लेकिन उसमें सावधानी की ज़रूरत है। आराम से धीरे धीरे एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए, सहयोग करते हुए आप जाएंगे। और अभी सुबह अभी तो ट्रैफिक भी थोड़ा सा रुका हुआ होगा, क्योंकि हमारे बीच से सभी माननीय का प्रस्थान हुआ है, तो इसलिए आप जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। आराम से अपने घर की ओर, अपने गंतव्य की ओर आप सब प्रस्थान करें। और यहाँ का मुख्य कार्यक्रम तो अब संपन्न हो चुका है। इस मुख्य कार्यक्रम के साथ जुड़े जो जिन लोगों का भी सहयोग रहा है, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। पूरे कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट बेल्ट्रॉन, NIC बेल्ट्रॉन, IBRD और विभिन्न चैनल के माध्यम से किया जा रहा था, और विभिन्न जिलों में अभी जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और गांधी मैदान का ये मुख्य कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे जितने भी साउंड व्यवस्था देखने वाले लोग थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी साउंड व्यवस्था के लिए। खूब सभी पुलिसकर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे मुस्तैदी से अपने कार्य को किया और सभी का सहयोग किया। मैं जितने भी यहाँ हमारे नवचयनित शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, जो बिहार से, बिहार के बाहर, उनको भी फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बिल्कुल आप सबको। सोमा और ये इनकी तो दिवाली की बल्ले बल्ले हो गई, तो ये बहुत अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि नौकरी मिलने की खुशी की बात अलग होती है। तो आप सब इतना बेहतर तरीके से सहयोग करते हुए अनुशासन में बैठे रहे, और अनुशासन में रहना तो स्वाभाविक सी बात है, आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को भी अनुशासन आप सिखाएंगे ही, और जब स्वयं आदमी अनुशासित होता है तो बच्चों पर भी उसका बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सारे गेट खुले हैं और आराम से अपने गंतव्य की ओर आप सब प्रस्थान करें। जैसे आप धीरे 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 आए थे, वैसे ही आप धीरे धीरे जाइए। आपके कोऑर्डिनेशन में, आपके सहयोग में सभी जगह हमारे दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी तैनात हैं। अगर किसी भी प्रकार के सहयोग की आपको आवश्यकता महसूस हो तो करें भी आप वहाँ भी आप सहयोग मांग सकते हैं। हेल्प डेस्क भी है।